विकलांग को पछाड़ते हुए मंजुएज बघेल ने बनाई अपनी राह। किसी ने खूब कहा है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ भी नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यह पंक्ति एक दिव्यांग बेटी मंजेश बघेल पर बखूबी लागू होती है। दतिया जिले के थरेड़ थाना क्षेत्र के ग्राम चपरा गांव की रहने वाली मंजेश बघेल के हौसलों के सामने दिव्यांगता भी हार मान गई। मंजेश बघेल अपने दोनों हाथ और पैरों से दिव्यांग है। मंजेश जब हाथों से नहीं लिख सकी तो उसने अपने मुंह में कलम पकड़कर लिखना शुरू कर दिया। इसी तरह इस दिव्यांग बेटी ने स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त कर ली। बीएड करने के लिए दिव्यांग मंजेश बघेल जब इंद्रगढ़ के एक निजी महाविद्यालय में बीएड सेकेंडरी परीक्षा फॉर्म भरने पहुंची तो कॉलेज प्रबंधन ने फीस बकाया होने का हवाला देते हुए बीएड सेकेंड ईयर का फॉर्म भरने दिया। कॉलेज प्रबंधन ने कहा कि मंजेश बघेल की फीस बकाया होने के कारण फॉर्म भरने से रोक दिया गया। शिकायत करने दिव्यांग बेटी मंजेश बघेल शासकीय महाविद्यालय इंद्रगढ़ पहुंची और रोते हुए आप बीती शासकीय महाविद्यालय के प्रचार डॉक्टर निलय गोस्वामी को सुनाई। दिव्यांग मंजेश बघेल ने प्रचार डॉक्टर निलय गोस्वामी के सामने ही मुंह में कलम दबाकर एक शिकायती आवेदन लिखा और अपनी परेशानी से अवगत कराया। तब शासकीय कॉलेज के प्रचार डॉक्टर निलय गोस्वामी ने दरिया दिली दिखाते हुए कॉलेज प्रबंधक को फटकार लगाई और फीस जमा करवाई। दिव्यांग मंजेश बघेल मुंह में कलम दबाकर लिखती हुई शासकीय महाविद्यालय इंद्रगढ़ के प्रचार डॉक्टर निलय गोस्वामी और अन्य वीडियो चोरी खासे से प्रमुखता से प्रसारित करें। ये बच्ची मंजेश बघेल, उसने इसी कॉलेज से पिछले वर्ष ग्रेजुएशन किया है। बहुत होनहार नेक और बहुत भगवान की ऐसी नेक बंदी है कि वो दिव्यांग होने के बाद भी जो है उसके अंदर एक बड़ी ऊर्जा है, लगन है, पढ़ना चाहती है। दोनों हाथ और पैरों से विकलांग होने के बाद और मुंह से लिखकर उसमें ऐसी देवी शक्ति है कि वो कहीं से भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझती। और मैं जहाँ तक ये महसूस करता हूँ कि जो खुद अपने आप में शरीर से कमज़ोर होने के बाद उनके अंदर भीतर ईश्वरी ऊर्जा उन्हें इतने आगे बढ़ाने के लिए लालायित करती है, जो देश के हष्ट पुष्ट बच्चे हैं वो क्या नहीं कर सकते। और इस बच्ची के लिए हम सब और हमारे और आसपास के लोग जितना भी जहाँ भी गई है, चाहे हमारे पूर्व कलेक्टर साहब रहे हो, चाहे और भी जो लोग जिसके पास भी गई हो, यहाँ भी आई तो मैंने इसका एक कॉलेज में बीएड में एडमिशन करा दिया और उससे मैंने कहा कि इस बच्ची को किसी भी प्रकार से कठिनाई और परेशानी नहीं होना चाहिए, उसकी आंखों में आंसू ना आए, इसकी यथासंभव मदद करें। और मैं अपेक्षा और उम्मीद करता हूँ कि हम समाज के जितने भी बुद्धिजीवी लोग और संपन्न लोग हैं, न केवल मंजेश बघेल बघेल इस तरह के बच्चे अगर हमारे समाज में कुछ बढ़ना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, उनकी हम तन मन धन से सहयोग करें, उन्हें आगे पहुंचाएं, ये हमारा इस देश के कल्याण के लिए। अभी कौन सी क्लास में पढ़ रही है वो? अभी सर बीएड कर रही है, बीएड सेकंड, बीएड फोर्थ सेम का एग्ज़ाम दे रही है। तो उसकी राइटिंग वगैरह आपने देखी है, बहुत से लिखती है, किस तरह की राइटिंग? नहीं, वो अभी लिख के गई है, एक एप्लीकेशन मुझे दे के गई है। महोदय जी, निवेदन है कि आपका आशीर्वाद बना रहे, आपकी बेटी पढ़ना चाहती है और मेरा सपना भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है और मैं चाहती हूँ कि हम जैसे लोगों की मदद आप लोग करते रहें, यही मैं चाहती हूँ। इतना लिखा तो मैंने उसको बना किया कि बेटा पहने लो, राइटिंग दिखाएं सर कैसी है। बहुत अच्छी उसकी राइटिंग है और ऐसे बच्चे जो हमारे नेक बच्चे हमारे समाज में और हमारे देश में हैं, मैं अपने और अपने जैसे और आप जैसे बुद्धिजीवियों से अपेक्षा करूँगा। आप तो हमेशा मदद करती आए हैं, बच्चे की बचपन से बता रही थी, बचपन से आपने उनको पढ़ाई लिखाई और उस पर बड़ा उसको संबल दिया। ना दिया होता तो शायद वो कॉलेज में नहीं आ पाती, और कॉलेज में नहीं आती तो शायद वो आगे बीएड